आज का विषय एज लॉन्ग एज तथा एज फार एज में डिफरेंस सीखना। दोनों के बीच ट्रिमेंडस डिफरेंस है, जहाँ एक ओर एज लॉन्ग एज शोज टाइम, वहीं दूसरी ओर एज फार एज किसी व्यक्ति का पर्सनल ओपिनियन बताता है। एज लॉन्ग एज इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट। एज लॉन्ग एज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य का होना जरूरी है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। साथ ही एज लॉन्ग एज की हिंदी जब तक होती है, लेट्स गो। एज लॉन्ग एज आई सर्वाइव आई शैल हेल्प यू फिजिकली एंड इकोनॉमिकली। जब तक मैं जीवित रहूँगा, मैं तुम्हारी मदद शरीर से तथा पैसे से दोनों से करूँगा। दोस्तों, शरीर से या पैसे से की गई मदद परोपकार कहलाता है। परोपकार ही प्रेम है, पूजा है, करुणा का सागर है। लेट्स गो ऑनवर्ड। एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स हियर, जब तक वह यहाँ रहेगा, ही विल बी वर्किंग एक्सटेंसिवली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया विच हैज अटर बैकवर्डनेस। जब तक वह यहाँ रहेगा, वह काफ़ी लार्ज स्केल पे यहाँ काम करता रहेगा, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके, जिस क्षेत्र में अटर बैकवर्डनेस है, काफ़ी पिछड़ापन है। दोस्तों, अटर बैकवर्डनेस विकास का शटर गिरा देता है। उस व्यक्ति में विकास लाने की व्याकुलता है। यह तभी संभव है जब अटर बैकवर्डनेस का शटर खुद गिर जाए। लेट्स गो ऑन वन। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा कहना है, आई एम ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट एन इंडस्ट्री विच वॉज टू टेक ऑफ टू प्रोवाइड जॉब टू द रूरल पीपल विल नॉट टेक ऑफ, इट विल टेक टाइम। जहाँ तक मेरा कहना है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो इंडस्ट्री यहाँ खुलने वाला था, वह नहीं खुलेगा और समय लेगा। उसे खुलना जरूरी था क्योंकि वह गांव के लोगों को रोजगार देता। इसमें हमने एज फार एज का इस्तेमाल किया, किसी व्यक्ति का पर्सनल ओपिनियन है, यहाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एज फार एज ही इज कंसर्न, यहाँ उस व्यक्ति का ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन है। जहाँ तक उस व्यक्ति का कहना है, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर, होली रंगों का त्यौहार है। वी विल सेलिब्रेट दिस विद नेशनल फावर, हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर जोश के साथ मनाएंगे। मूड ऑफ द पीपल विल रिमेन अपबीट, और लोगों का मूड काफ़ी अपबीट यानी उत्साहित रहेगा। इस प्रकार हमने एज लॉन्ग एज तथा एज फार एज जैसे फ्रेज की जानकारी हासिल की। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।